नमस्कार, द फैक्ट है से मैं अजय शर्मा आज जनता के बीच लोगों के विचार जानने के लिए आए कि वो डेरे से संबंधित या डेरा प्रमुख के बारे में वो क्या समझते हैं। तो मिलते हैं, आपका शुभ नाम जी? रमेश इंद्रा। कितने सालों से आप डेरे से जुड़े हुए हैं? 25 साल से। 25 साल के एक लंबे अंतराल के दौरान क्या आपने जाना है कि जो आरोप लगे हैं वो कहाँ तक सही हैं? वो सब झूठे हैं, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो आरोप लगाए गए 100% क्या 1,00,000% झूठे हैं। डेरे के अंदर ऐसा कुछ होने की उम्मीद नजर नहीं आती आपको? कभी कभी ना हुआ ना होगा। तो बहन बेटियां वहाँ पे कहाँ तक सुरक्षित हैं? बहन बेटियां वहाँ बहुत ऊंचे हमारे देश के नाम रोशन कर रही हैं, वो बहुत ही सुरक्षित है। ऐसी संस्था कहीं वर्ल्ड में भी नहीं है। सुना के डेरा प्रमुख जो है, जो वैश्यावृत्ति में लिप्त बहनें हैं, उनके लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई थी कि हम उनको बेटी बना के उनका घर बसवाएंगे, वो तो वो कहाँ तक सही है? वो हाँ बिल्कुल सही है। दुनिया में कोई ऐसा संत नहीं हुआ जिसने वैश्या को अपनी बेटी बनाया हो और उनको उनकी शादी करवाई हो, उनको रोजगार दिए हो। दुनिया में ऐसी कोई संस्था नहीं। एक डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है जो नए नए आयाम प्रस्तुत कर रही है। तो सत्संग जैसे आज नहीं हो रहे हैं समाज के अंदर, तो उसका प्रभाव आप समाज पे कितना समझते हैं? इससे हमारे जो समाज है नशे के गर्त में, वैश्यावृत्ति के गर्त में जा चुका है सत्संग ना होने की वजह से। पूरा पंजाब नशे में डूबा हुआ है, पूरा हरियाणा तस्करी के उसमें डूबा पड़ा है। कोई सिर्फ एक संस्था हमारी बचा रही है, जिसको बचा रही है, नहीं तो सब गर्त में जा रहे हैं। आज उनके जाने के बाद जो तकरीबन 3 साल करीबन हो चुके हैं, तो उसका जो कुप्रभाव कुछ समाज के ऊपर या युवा वर्ग के ऊपर आप देखने को मिलता है? युवाओं पर तो पड़ रहा है, सरेआम पड़ रहा है, नशे में जा रहे हैं, लेकिन हमारी संगत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। वो बिल्कुल उसी तरीके से सेवा करती है, करती रहेगी। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि अपने संत के बारे में? हम सरकार से कहना चाहेंगे कि हमारे संत को तुरंत रिहा किया जाए और जो हमारे कार्यक्रम चल रहे 133-134 प्रोग्राम, वो ही सृष्टि को बचा सकते हैं, नहीं तो बेड़ा गर्क हो चुका है। तो आप मानते हैं कि जो डेरा प्रमुख ने 134 बनाना भलाई कार्य जो आपके शुरू किए हुए हैं, उनके उन पे एक रोक लग गई है और उसका देश का उसका अहित हो रहा है? नहीं, रोक सरकार ने लगा रखी है, लेकिन हम तो अपनी तरफ से करते रहेंगे जब तक हमारे में जान रहेगी, जब तक हम अपने गुरु के वचनों पर चलते रहेंगे। धन्यवाद।